तो आज मैं बिहार का एक ऐसे जगह पर जा रहा हूँ जहाँ का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, पर आप लोग कभी गए नहीं होंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। फटाक से मैं अपने बीएमडब्ल्यू में अपने पड़ोसी के बीएमडब्ल्यू में बैठता हूँ और चलने लगता हूँ। पेट्रोल डलवाने के बाद हम लोग इस हरे भरे नजारे को देखते हुए फाइनली पहुंच जाते हैं अपना मौसी। ये है मेरे मौसी का बेटा और ये हम लोगों को अपना घर लेके ये हम लोगों को अपना घर लेके चला गया, पर हमें वहाँ पर मन नहीं लगा। मैंने इसे कहा कि तुम मुझे कहीं घुमाने लेके चलो, इसलिए ये मुझे यहाँ लेकर आ गया। इस जगह का नाम है बामन कोठली तिरपन द्वार। ये है तो एक धर्मशाला, पर मुझे अंदर से देखने में लग रहा था यह एक मंदिर है। सोचने वाली बात नहीं, आप लोग कमेंट में ये जरूर बताना कि ये मंदिर है या फिर धर्मशाला। फिर मैं इन गोलगप्पे वाले अंकल के पास पहुंच जाता हूँ। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? बात करें इन अंकल के गोलगप्पे के, तो ये गोलगप्पे खाने के लिए लोग दूसरे जिले से इस जिले में आते हैं। मेरे मौसी के बेटे ने मुझे ये भी बताया कि ये गुपचुप वाले लगभग एक दिन में 6 से 7 हजार रुपया आराम से कमा लेते हैं। फिर मैंने एक प्लेट गोलगप्पे पैक करवाई घर के लिए, तो हम लोग जा रहे हैं अब घर गोलगप्पे को लेके। तो ये रही हमारी पड़ोसी की बीएमडब्ल्यू। इस बीएमडब्ल्यू पर हम सब बैठकर चलने लगते हैं अपने घर की ओर। चलते चलते हम लोग इन हरे भरे खेतों को पार करते हैं और फिर घर जाते जाते हमें हो जाता है शाम। हम लोग घर पहुंचने ही वाले हैं। थैंक यू बाय। और वो जो नार वाला बताना, उसपे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।